पूर्णिया में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने बिहार में एनडीए की नई सरकार में वैश्य समाज के मंत्री बनाने की अपील की। रविवार को रामबाग स्थित पंकज शाह के आवास पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एके गुप्ता, पूर्णिया व कोसी प्रमंडल के प्रभारी अनिल शाह मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वैश्य समाज में अपार क्षमता है, यह क्षमतावान समाज है। वैश्य समाज ने हमेशा गुच्छे में वोट देने का काम किया, इसलिए सरकार से आग्रह किया कि समाज के विधायक व विधान पार्षद को मंत्री पद दिया जाए। वक्ताओं ने कहा कि अगर वैश्य समाज को मंत्री नहीं बनाया गया तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी और अपनी पार्टी भी बनाई जाएगी। वैश्य समाज एक सुर में कहा कि वैश्य समाज जागरूक समाज है, समाज में राजनीतिक रूप से जागरूकता आई है, समाज के लोगों ने राजनीति में भी मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं, समाज अब किसी दल का बंधुआ नहीं है, समाज को आबादी के अनुरूप राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और समाज इसे हर हाल में लेकर रहेगा। देखिए, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन देश में राष्ट्रीय स्तर पर वैश्य समाज के संगठन के लिए कमेटी है और वैश्य समाज का योगदान चाहे जो भी सरकार या जो भी गतिविधियां हो देश में, वैश्य समाज हमेशा अग्रणी रूप से रहा है। लेकिन आज जो बिहार में परिवर्तन हो रहा है, जो सरकारें बन रही है, उसमें हमारे वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और घोर विरोध करते हैं और आज के बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है सर्वसम्मति से कि अगर हमारे वैश्य समाज, जैसे हमारे अध्यक्ष पवन जायसवाल जी, हमारे पूर्व के डिप्टी सीएम तारकिशोर बाबू, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम और बिहार के अग्रणी नेता वैश्य के सुशील मोदी जी, इन सारे लोगों को दरकिनार करके और आज जो है वो जो सरकारें गठित हो रही है, वैश्य समाज का 30% वोटर्स है और उस आप एक मुश्त जो भी पार्टियां सरकार बना रही है, एक मुश्त वैश्य समाज का वोट लेती है, लेकिन वो वैश्य समाज को आज प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा किसी साजिश के तहत या जिस भी कारण। बस हम आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हमारे जो अध्यक्ष है पवन जायसवाल जी, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम जो तारकिशोर बाबू, हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी जी, अगर इन और भी बहुत सारे हमारे नेता हैं, हमारे जो मंचज केसरी साहब हैं, दिलीप जायसवाल जी विधान पार्षद हैं, तो इतने दिनों से जो हमारा वैश्य समाज किसी दल के साथ और हम एक मुश्त वोट देते हैं और हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ी हम घोर विरोध करते हैं तो वैश्य समाज अपना एक अलग पार्टी भी बनाएगा वैश्य समाज के नाम पर, वैश्य के नाम और हम और आज यह भी हम आपको कहना चाहते हैं कि जो पार्टियां हमारा थोक वोट लेकर के हमें प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है तो हम उसके खतियानी वोटर नहीं है। हमको जो पार्टी, कोई भी जो दल हमें हमारा वैश्य का प्रतिनिधित्व हमारी आबादी के अनुसार देगा, हम उसके साथ जाएंगे, हम उसके साथ रहेंगे, इसलिए कि हमारी आबादी है, हमारी संख्या है। आज की बैठक में इसके अतिरिक्त जो कमेटियां बनी है उसके विस्तार पर अभिलंब उसका विस्तार हो, अगर विस्तार नहीं हो पाता है तो नए सिरे से फिर उसको रिकंस्टिट्यूट करके उसको जो कि विस्तार हम लोग करेंगे और हम लोग जन जन तक जाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। पूर्व के कार्यक्रमों की हम लोगों ने समीक्षा किया जो अभी तक 7 अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक जो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने जो अपना कार्यक्रम किया उसका जो हम लोग समीक्षा किए, सारे गत बैठक की हम लोगों ने संपुष्टि किया और मुख्य रूप से हम लोग अपने संगठन को विस्तार करने के लिए और हम अपनी वैश्य समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमारे अभिभावक डॉक्टर एके गुप्ता साहब के मार्गदर्शन में और जो हम लोग इस चीज को जन जन तक उठाने का काम करेंगे। अगर ये सरकार ये पार्टियां नहीं चेतेगी तो हम सड़क से संसद तक हम आंदोलन करेंगे।
अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। का विरोध कर रहे हैं क्या? मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, आप इस बात को समझिए। अगर थोक के भाव में हम आपको कुछ देते हैं तो एक तरफा प्यार तो नहीं हो सकता है ना, एक तरफा प्यार तो नहीं हो सकता है ना। हम आपके पीछे पागल बने हुए हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर भाजपा को ही अगर भाजपा को ही अगर वोट देती है वैश्य समाज, तो भाजपा का क्या उत्तरदायित्व बनता है, ये आपसे हम जानना चाह रहे हैं। क्या आप हमारा वोट लेकर के हमारा प्रतिनिधित्व नहीं दे? इसमें विरोध का है? हमारा जो अधिकार है, सम्मान चाहिए। मेरा कहने का अगर मेरा जो अधिकार है, मेरा जो सम्मान है, हमको जो वैश्य का सम्मान है, तो आप भी हमको सम्मान दीजिए। हम आपको थोक के भाव में वोट देते हैं, हमारे वोट से आप सरकार बनाते हैं और वैश्य का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा। ये हो सकता है क्या भैया? आप एक बात जान लीजिए कि घूंघट और नृत्य एक साथ नहीं हो सकता है ना, घूंघट और नृत्य एक साथ नहीं हो सकता है। तो आप चाहेंगे कि घूंघट में रह कर नृत्य करेंगे तो नहीं होगा ना, आप वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व देना होगा। स्तरीय मीटिंग कहाँ कहाँ करेंगे आप लोग? अरे अभी तो हम लोग प्रमंडल स्तर पर अभी मीटिंग कर रहे हैं, जानकारी मिलेगी। अगर सरकार सुधर जाएगी, अगर हमारा प्रतिनिधित्व तो हो जाएगा संख्या बल के आधार पर, तो हमें जरूरत क्या है आवाज बुलंद करने का या कोई भी बात बोलने का? अगर नहीं होगा तो हम जो है प्रखंड स्तर तक करेंगे, पंचायत स्तर तक करेंगे, और हम हो सकता है कि रंगभूमि मैदान को प्रमंडलीय स्तर पर भरने का काम करेंगे अपनी हुंकार से। तो हम प्रदेश में भी आंदोलन करेंगे, हमारा नाम अनिल कुमार शाह, प्रमंडलीय प्रभारी, पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल। क्या बातें हैं आज हम लोग ये परमंडलीय स्तर पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का यहाँ पर मीटिंग रखा गया। सर्वप्रथम हम लोग पटना में जो अभी घटनाक्रम चल रही है, जिसमें कि सम्राट चौधरी जी का और विजय सिन्हा जी का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर आगे लाया जा रहा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। उस पर चाहते हैं कि दोनों नीतीश जी और भाजपा मिलके सरकार पूरे टर्म तक चले, ताकि बिहार वासियों को जो इसका विकास होता है अस्थिर सरकार की, वो मिले। हम लोग यहाँ आज जमा होके दो मुख्य बात पर बात किए। पहला तो है कि वैश्य समाज का उचित प्रतिनिधित्व आगामी अभी जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें मिले, उनको सम्मानपूर्वक किसी पद पर रखा जाए, क्योंकि हम लोगों का दो उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री तारकिशोर प्रसाद जी, ये पहले रह चुके, लेकिन इन दोनों को स्थान अभी नहीं दिया गया है। तो हम चाहेंगे इन लोगों के सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी युवा बंधु हैं, सब चाह रहे हैं कि किसी वैश्य को स्पीकर का पद मिले, या कोई गृह मंत्रालय मिले, या अच्छा कोई विभाग मिले, ताकि वो पूरे बिहार का विकास कर सके। दूसरा, हम लोग यहाँ पर संगठन के तौर पर भी मिले हैं कि इस कैसे वैश्य समाज को एक संगठित किया जाए, उनको किस तरह से राजनीतिक चेतना कैसे उन लोगों में जगाई जाए, ताकि आने वाले वर्षों में यहाँ पर जो वैश्य समाज में जो राजनीतिक शून्यता है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। इस तरह से मीटिंग हम लोग अभी उसमें ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर कैसे कैसे आगे बढ़ना है उसमें भी हम लोगों ने विचार किए हैं, और इस पर आगे हम लोग काम करेंगे। लेकिन मुख्यतः आज हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जो राज्य स्तरीय जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें वैश्य समाज का उचित भागीदारी। मीटिंग हुई, क्या क्या बातें हुई, क्या करने वाले आ गए? सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का। और इस मीटिंग के कार्यक्रम में ये रखा गया बात, लेकिन उत्तर सर भी बोले कि आप फिर वैश्य समाज की जितनी भी सहभागिता रहती है वोटिंग में, या विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, लेकिन उसकी वजह से हम लोग को बनस्पत उल्टा हम लोग को उतना सम्मान नहीं मिल पाता।
सम्मान देने का एक मतलब था कि हमारे दो दो मुख्यमंत्री पहले रह चुके थे, हरकेश्वर बाबू, सुशील मोदी जी। हम लोग कभी दिल से ही चाह रहे थे कि वो लोग भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज हमें न्यूज़ के द्वारा सुनने को मिलता है कि सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा जी मिले, जो काफ़ी लगा कि हमें ये दिल से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी इतने सभ्यता होने के बाद, एकजुटता होने के बाद, एक वोट देने के बाद भी, ताकि हमारी कोई सम्मानजनक हमारी तरफ से कोई बात हमारे नहीं मिल रहा है, इसलिए सारा खेद है। और हम लोग इसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे कि जब तक हमारा अपना अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इसके आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे, रोड पे करेंगे, कि ताकि हमारा अपना अधिकार मिल सके। मेरा नाम पंकज कुमार शाह, मैं समाज के सदस्य। आज हम लोग एक आवश्यक बैठक कर रहे हैं जो कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन प्रमंडल के अंतर्गत कर रहे हैं। इसमें आज हम लोगों का सबसे बड़ा मांग है कि आज जो सरकार बन रही है भाजपा और जदयू की, सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो वैश्य समाज है एक मुस्त होकर एक पार्टी को वोट करता है, तो हम लोग भी उसके एवज में जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो हम लोग चाह रहे हैं। हमारी सरकार भी कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम लोगों को भी अपनी भागीदारी चाहिए सरकार में। राजनीति के तौर पे जो हमारे जो भी अग्रज नेता लोग हैं उनको मुख्य पद हमारे सरकार की ओर से मिले, इसके लिए हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन युवा जिला अध्यक्ष। ऐसी ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।